हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना होगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस। यहाँ पे इसी तरह रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आ गए फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन हुआ। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन हुआ। आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। आप एक आएगा डीएक्टिवेशन अकाउंट, एक आएगा डिलीट अकाउंट। तो आपको डिलीट अकाउंट पर आपको रखना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। आपको टैप करने के बाद यहाँ पे आपको रीजन भरना होगा। अगर आप रीजन नहीं भरना चाहते तो आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन वाला ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परमानेंटली डिलीट अकाउंट। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपसे कंफर्म पासवर्ड मांगा जाएगा। जो भी आपका अकाउंट का पासवर्ड है यहाँ पे आपको देना होगा। तो चलिए हम अपना फिल कर लेते हैं। चलिए आप अपना फिल कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल कर लिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको फिर से एक बार डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन पर टैप करना है। तो देख सकते हैं ये आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज शेड्यूल फॉर परमानेंटली डिलीटेशन। यहाँ पे आपका अकाउंट 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।